हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का यूट्यूब का जो ज़माना है, इस ज़माना में थंबनेल का बिना कोई एक भी वीडियो नहीं वायरल होगा। तो वायरल करने के लिए हम लोग को थंबनेल जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूर सीखना पड़ेगा थंबनेल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस वीडियो आज आप लोग को जरूर काम में आएंगे, इम्पोर्टेंस में आएंगे, जो थंबनेल कैसे बनाते हैं। लेकिन थंबनेल कैसे बनाते हैं, इस जानने के पहले हम लोग को जरूर जानना पड़ेगा थंबनेल किस प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थंबनेल्स आर देयर। थंबनेल दो टाइप का होता है, थंबनेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ थंबनेल्स। पहले टाइप का नाम है क्लिक बेट थंबनेल, CLICKBAIT, क्लिक बेट थंबनेल। वो क्या है ना, जो थंबनेल बंदा को आकर्षित करता है, वो देख के एक प्रकार आकर्षित होके ये बोल रहा है, ऐसा हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक थंबनेल लिखा है, एक दिन में 2000 सब्सक्राइबर और एक दिन में 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाएंगे। जो बंदा इस थंबनेल देखेंगे वो जरूर आकर्षित हो जाएंगे, एक दिन में 2000 सब्सक्राइबर, एक दिन में 4000 वॉच टाइम, वो जरूर वीडियो को क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद वो जब देखेंगे उस वीडियो में सब्जेक्ट मैटर के साथ थंबनेल नहीं मिल रहा है, कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, वो बंदा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। और डिसअपॉइंटेड होने के बाद वो क्या करेंगे, आपको वीडियो को तो आपका चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं देंगे, लेकिन डिसलाइक देख के चले जाएंगे। और रिपोर्ट में ज़रूर ये लिख देंगे, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो, स्पैम और मिसलीडिंग। सो हम लोग क्लिक बेट थंबनेल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यूज करेंगे दो टाइप जो है, जो दूसरा टाइप का है थंबनेल, क्लिकेबल थंबनेल, CLICKABLE। व्हाट इज क्लिकेबल थंबनेल ना, जो थंबनेल सब वीडियो का जो सब्जेक्ट मैटर है, वीडियो का जो आप कहना चाह रहे हो उसके साथ पूरा है पूरा या 70% और 80% मैच कर जाए, इसका नाम है क्लिकेबल थंबनेल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाता है, क्लिकेबल थंबनेल, हाउ टू यूज क्लिकेबल थंबनेल इन योर यूट्यूब वीडियो। तो आप देख रहे हैं सुजीत कुमार भौमिक यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं सुजीत कुमार भौमिक। आइए ये जानने के लिए पहले हम लोग को एक ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। वो ऐप हम लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले प्ले स्टोर ऐप में आ गया हूँ, आने के बाद हम लोग प्ले स्टोर में क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हमको टाइप करना पड़ेगा फोटो एडिटर, PHOTO फोटो एडिटर। आप देख चुके हैं पहले ही आ गया है फोटो एडिटर, फोटो एडिटर ऐप। हम लोग को फोटो एडिटर ऐप को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हम लोग को इन फ्रंट ऑफ आस एक इंटरफेस आ गया है, इसी को इंटरफेस को हम स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोग को एक ऐप आ गया है फोटो एडिटर। आप देख लिया है ये जो फोटो एडिटर ऐप आ गया है, हम उसी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग को इंस्टॉल ऑप्शन आया है, इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे वाईफाई का स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए तुरंत हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद एक ऑप्शन आया है, हम इस ऑप्शन को ओके कर देंगे।
वे करने के बाद हमको हम लोग के सामने एक इंटरफेस ऐसा आ गया है, यहाँ पे एड ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू ऑप्शन है, ये न्यू ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक साइज है 1280x800, लेकिन हम लोग को लिखना पड़ेगा 1280x720, आई मीन 1280x720, यही है YouTube का साइज। तो हम 1280x720 लिख दिया है, इसको क्लिक करना, इसको ओके करना पड़ेगा। इसको ओके करने के बाद हम लोग के सामने इसी ही तरह एक इंटरफेस आ गया है। ये जो इंटरफेस दिख रहा है व्हाइट कलर का, यही है YouTube का साइज वाला इंटरफेस। यहाँ पे नीचे में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज हम थंबनेल बनाएंगे। तो हम थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट इमेज एक ऑप्शन है, टेक्स्ट इमेज पर हम जाएंगे। टेक्स्ट इमेज क्लिक करने के बाद हम लोग को सामने ऐसा ही इंटरफेस आ गया है। हम जो प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल के बाद गैलरी सिंबल है, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने सिलेक्ट ऑप्शन आ गया है, हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो जो गैलरी है, आपका मोबाइल में जो गैलरी है, वो गैलरी खुल गया है। सारी के सारी फ़ोटो जो आप गैलरी में सेव करके रखे हैं, वो आपका सामने तुरंत आ जाएगा। उसी का बीच में हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, इसी का फ़ोटो में हम काम चलाएंगे। हाउ टू यूज थंबनेल और थंबनेल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसी फ़ोटो में हम काम चलाएंगे। तो जिस तरह इस फ़ोटो को ओके कर दिया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो चारों तरफ जो राउंड ऑप्शन है, इसको खींच के अप एंड डाउन करके आपको वो जो YouTube का साइज है उसमें सिलेक्ट कर देना है। इसी का बाद हम थंबनेल बनाएंगे। हम अभी अभी सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करा है, लेकिन थंबनेल अभी तक नहीं लिखा है। हम अभी अभी थंबनेल लिखेंगे। यहाँ पे एक प्लस सिंबल दिख रहा है, प्लस सिंबल का ऊपर में TR लिखा है, उस TR पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है, इसी ही तरह एक इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो आप लिखेंगे, जो आप का मन में थंबनेल है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है हाउ टू यूज थंबनेल, यही मेरा आज का टॉपिक है, इसीलिए टॉपिक में लिख दिया है हाउ टू यूज थंबनेल। हम लोग जाएंगे कलर कॉम्बिनेशन पर। यहाँ पे बहुत सारे कलर है। यहाँ पे हम रेड ले लिया है, क्योंकि रेड रंग बहुत आकर्षित होता है। यहाँ पे अप डाउन टॉप बॉटम ऐसे ही चारों के चारों ऑप्शन है। यहाँ पे हम सभी को रेड खींच लिया है। रेड करने के बाद हाउ टू यूज थंबनेल, ये जो लिखा है ये हमको रेड हो गया है। इसका बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने के बाद हम लोग को लगा है ये थंबनेल ठीक कलर कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे में एक पेंसिल स्केच आएंगे, पेंसिल सिंबल को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वो जो कलर मैचिंग बॉक्स में हम आ गया हूँ। यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, हम थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ, डाउन आप में रेड कर दिया, लेकिन ये भी थोड़ा
हमको एप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग फिर से वो लेखक के पर क्लिक करेंगे और फिर जो कलर कॉम्बिनेशन पास आएंगे वहाँ से हम दूसरा कलर लेंगे। ऐसे है करके जो भी कलर आपका मन में है, जो भी कलर आप ले सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो। लेके हम थंबनेल बना दिया है, इसी को कहते हैं क्लिकेबल थंबनेल। तो थंबनेल तो हम बना लिया है, लेकिन ये इस थंबनेल को हम कैसे सेव करें। सेव करने के लिए राइट हैंड साइड में एक टिक चिन्ह है, वो टिक चिन्ह को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने ये इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, कैंसिल और अप्लाई। ये बोल रहा है एक बार आप अप्लाई कर दोगे तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो हम अप्लाई में क्लिक कर दिया है। उसका बाद देखो राइट हैंड साइड एक एरो चिन्ह आ रहा है, उस एरो चिन्ह को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे गैलरी है, शेयर ऑप्शन है, यहाँ पे पांच ऑप्शन है। फेसबुक में आप डायरेक्टली यहाँ पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लेकिन हम गैलरी में क्लिक करेंगे। गैलरी में सेव हो गया है। आइए देखते हैं इस फोटो गैलरी में कहाँ सेव होगा। हम लोग गैलरी में आज आ गया हूँ। देखो गैलरी में एल्बम है, हम थोड़ा फिर से गैलरी पिक्चर देखो, पिक्चर में हम जो थंबनेल बनाए हैं ये थंबनेल यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर सहारा देंगे, आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक्स।